हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड ब्लॉग। आज हम आपको इस बेबी कॉर्न का चिली बनाना बता रहे हैं। इसके लिए हम बेबी कॉर्न को काटेंगे। आप अपने हिसाब से मनपसंद तरीके से काट सकते हैं। इसको हम ऐसे काटेंगे। ये मेरा बहुत फ्रेश है बेबी कॉर्न। अगर थोड़ा सा फ्रेश नहीं हो तब आप इसको पानी में हल्का सा बॉईल करके करेंगे, ताकि ऐसे काटेंगे बेबी कॉर्न को। सभी बेबी कॉर्न को ऐसे काट लेंगे। ये बहुत ही लजीज व्यंजन है। रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं करता, और कभी कभी रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे बनाना अच्छा लगता है। उसमें आप ये बना सकते हैं स्टार्टर के फॉर्म में, बेबी कॉर्न चिली। अब बहुत जल्दी बनता है। कोई भी खाना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप दिल से बनाओ तो अच्छा भी बनता है और टेस्टी भी बनता है, और खाने वाले की अगर वाहवाही मिले तो खाना बनाने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि उसके काम को तरजीह दी जा रही है। इस तरह सभी बेबी कॉर्न को हम काट लेंगे। सभी बेबी कॉर्न को मैंने ऐसे काट लिया है। अब हम इसको धोएंगे, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब हम ऐसा एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें सभी कॉर्न को डाल देंगे। थोड़ा सा गुनगुना पानी होने पर और इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी। थोड़ा देर तक हम इसको गर्म पानी में रख के इसको एक स्ट्रेनर्स की मदद से छान लेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे और इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि ये जो कॉर्न बहुत गर्म हो गया है गर्म पानी में रहने के कारण वो ठंडी हो जाए। अब एक बॉल में हम इसको डालेंगे। और इसमें मिलाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने पहले भी डाला इसलिए थोड़ा नमक इसमें डालेंगे, क्योंकि जब इसका चिली बनाएंगे तो सॉसेस में नमक ऑलरेडी होता है। एकदम थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला। और इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप मैदे का प्रयोग कर सकते हैं, मैदे का उपयोग कर सकते हैं इसके साथ। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिला के बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखेंगे। तब तक हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये मिल गया है भली प्रकार से। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, कढ़ाई चढ़ाएंगे और हम इसमें ऑयल डालेंगे उसको तलने के लिए बेबी कॉर्न को। पहले हम इसको एकदम क्रिस्प तलेंगे। जब ऑयल बहुत गर्म हो जाएगा उसके बाद ये एज ए स्टार्टर बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें पहले एक डाल के चेक करेंगे। हाँ, गर्म हो गया है। इसमें सभी कॉर्न को हम डालेंगे फ्राई होने के लिए। सभी कॉर्न को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम क्रिस्प, एकदम करारा। और ये जो रेसिपी है इसको एकदम गरम गरम सर्व करना है, तभी जो इसका एक करारापन है वो आएगा। अगर आप इसको बना के रख दोगे और उसके बाद अगर सर्व करते हो तो वो थोड़ा सॉगी हो जाएगा। सॉगी हो जाने के बाद इसमें उतना
अच्छा नहीं लगेगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। ये तलने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि अंदर से तो वो कच्ची ही होती है ना, तो उसके कारण उसको ज़्यादा वक्त लगता है एकदम क्रिस्प होने में। इसको हाई फ्लेम पे ही क्रिस्प करना है। अगर आप फ्लेम लो कर देंगे तो फिर वो क्रिस्पनेस नहीं आएगा। आप इसको देखते रहें, ऐसा ना हो कि हाई फ्लेम करके आप उसको छोड़ दें तो वो एक साइड से जल जाएगा, और ये जलना नहीं है। ये दोनों तरफ से भली भांति इसको सेकना है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्दी भी बनता है। अगर आप खाने में कोई भी प्रिपरेशन अगर आप करके रखो तो डिश बनाने में आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी है, बहुत अच्छा बनेगा भी। और सोच के किसी भी तरह का अगर आप खाना बनाते हो तो पहले से प्लान कर लो कि लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो उससे खाना अच्छा भी बनेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा अगर आप दिल से बनाएंगे तो। इसको हम और थोड़ा करारा करेंगे, अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से क्रिस्प। इसके अंदर बहुत नमी रहता है इसलिए ये जल्दी से करारा नहीं होता है, ये बनाने में थोड़ा टाइम लेता है। इसको करारा होने देते हैं अच्छा सा, फिर हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये जब पूरा करारा हो जाएगा तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसमें बहुत ऑयल है तो ऑयल को निकाल देंगे इसमें से। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा और करारा होगा। ये अब हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी को, उसके बाद इसका हम चिली बनाएंगे। इस तरह के इससे निकालने से आपको तेल नहीं निकलता है उसमें। सबको निकाल के अब हम कढ़ाही से तेल निकाल लेंगे। कढ़ाही से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाले, मैंने उसी कढ़ाही का उपयोग किया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पका हुआ लहसुन। लहसुन थोड़ा सा तड़कने लगेगा, थोड़ा गोल्डन होने लगेगा जब, तब हम इसमें डालेंगे अदरक। थोड़ी सी हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने लच्छों में काट के रखा है, आप चाहें तो इसे छोटे में टुकड़ों में भी काट सकते हैं। प्याज को हम थोड़ा सा नरम होने देंगे। प्याज का कच्चापन निकल गया, आप देखें कि प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। इसके बाद डालेंगे एक टमाटर छोटा कटा हुआ, ये थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, ये लाल शिमला मिर्च, और ये हरी शिमला मिर्च। ये सब डालेंगे, और इसमें हम नमक बहुत थोड़ा डालेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉर्न में नमक डाला हुआ है, और जो इसमें सॉसेस मिलाएंगे उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक
थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये जो प्याज और शिमला मिर्च वगैरह है उसमें हल्का नमकीन हो जाए। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस, मैं तीनों सॉस का उपयोग करती हूँ। तो आप उसको डालोगे तो उसमें तो ऑलरेडी नमक होता ही है, तो उससे आपके डिश में नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी सब्जियाँ थोड़ी सी गल गई हैं, ये रेडी है। अब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्न जो मैंने छान के रखा है। देख रहे हैं गाजर और लाल शिमला मिर्च, बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च सब के कारण ये कितना इसका कलर अच्छा आया है। अगर आप सॉस का कम प्रयोग करते हैं तो आप अपनी तरफ से कम डालें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच टमाटो सॉस, ये चिली सॉस और एक छोटा चम्मच सोया सॉस। इससे इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है और कॉर्नफ्लोर जो होता है लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर जो मैंने पानी के साथ घोल के रखा है। हम तेज आंच पे इसको 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये जो सॉसेज है और कॉर्नफ्लोर इस चिली में अच्छे से मिल जाए। ये एज ए स्टार्टर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो। सब्जी के रूप में भी ये बहुत ही बेहतरीन डिश है, आप इसे ज़रूर से बनाएं, ज़रूर से और खाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट हमेशा जाने का दिल करता है लेकिन बच्चों की पढ़ाई है या ऑफिस वर्क है तो आप जा नहीं पाते हो। इसलिए रेस्टोरेंट का खाना घर पे ही बनाइए और ट्राई करिए, सभी घर में यकीन मानिए बहुत खुश होंगे परिवार वाले कि आपने उन्हें इतना बेहतरीन रेसिपी खिलाया है। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम एक सर्विंग बॉल लेंगे और उसमें बेबी कॉर्न चिली को निकालेंगे सर्व करने के लिए। आप इसे ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए ये इतना खुशबू दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस डिश में और बहुत अच्छा बनेगा। ये बेहतरीन डिश बन के रेडी है, आप इसे ज़रूर से बनाएं और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमारा उत्साह वर्धन करें कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।